कुदरत का कहर बरपा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से चट्टान भरभराकर गिरते दिखाई दिए तो मैदानी इलाकों में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर ओडिशा तक तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से लोग दहशत में हैं, तो वही हाल हिमाचल प्रदेश का है जहां आए दिन पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। ओडिशा में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है तो बिहार में कई नदियां उफान पर है जिससे निचले इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जीना दुभर हो चुका है। पहाड़ों पर जहां मलबा आने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है तो वहीं ओडिशा और बिहार की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां भारी बारिश के बाद लोग किस तरह से मुश्किल में घिरे नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर जमीन खिसकने की वजह से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों कोंकण, गोवा और ओडिशा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है, तो वहीं मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश अगले 5 दिनों तक हो सकती है। जहां हालात पहले से ही खराब है वहां इस भारी बारिश के बाद हालात किस तरीके से और बिगड़ेंगे ये देखने वाली बात है। मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर बरपा है तो पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने का खौफ है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां मंडी में चट्टान गिरने की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। इस जगह पर दोबारा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा है। जमीन खिसकने से कांगड़ा में भी बर्बादी आई है। कई जगहों पर पेड़ सड़क पर गिरे नजर आए जबकि कुल्लू में तो एक घर पर ही पत्थरों की बारिश हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि पूरा परिवार समय रहते वहां से निकल गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा वहां हो सकता था। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां के हालात को समझ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से चट्टान सड़कों पर आ गिरे जिससे तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाले खड़ारंडा मार्ग रोड पर भी लाइब्रेरी के पास जमीन खिसकने से पार्किंग की गई कई गाड़ियां वहां तबाह हो गई। कुछ पेड़ भी गिरे, मलबा सड़क पर बिखर गया जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। तो वहीं बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में पानी घुसने के बाद मचान पर कई परिवारों की जिंदगी कट रही है। गोपालगंज बेतिया सड़क के किनारे लोग तंबू बनाकर शरण लिए हुए हैं। पूरे जिले की अगर बात करें तो सारण तटबंध के अंदर बसे 6 प्रखंड के 26 टोले और गाँव है जहाँ बाढ़ के पानी की वजह से लोग परेशान है। उधर बिहार में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर के कुंडली इलाके में पानी के दबाव में एक नहर का बांध टूट गया जिससे पास के कई गांव डूब गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने नहर के किनारे से बह रहे पानी को रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद कई गांव डूब गए। बाद में इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। देश के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही आई हुई है। वहीं ओडिशा के खोर्धा से हैरान करने वाली तस्वीर आई। एक बस पानी में डूबी नजर आई जिसमें कई यात्री सवार थे। बस पानी में आधे से ज्यादा डूबी हुई थी। अंडरपास में पानी भरता गया और देखते देखते बस पूरी डूब गई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस के अंदर यात्री फंसे हुए थे और सब खौफ में थे। इस बीच कुछ लोग बाहर से तैरकर अंदर आए और फंसे लोगों को बाहर निकाले जिसमें कई यात्री सवार थे। बस पानी में आधे से अधिक डूबी हुई थी। अंडरपास में पानी भरता गया और देखते देखते बस डूब गई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस के अंदर यात्री फंसे हुए थे, सब खौफ में थे। इस बीच कुछ लोग बाहर से तैरकर अंदर आए, फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। बड़ी मुश्किल से बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। स्कूल के बच्चे भी उसी बस में थे जिनको बहुत मुसीबत से निकाला गया है। हैरान करने वाला ये वीडियो ओडिशा के खोर्धा से आया जहां जटनी अंडरपास में फंसी इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे।
बस जैसे ही अंडरपास के नजदीक पहुंची तो वो लबालब पानी के चलते बंद हो गई। फिर अंडरपास में पानी का स्तर धीरे धीरे और बढ़ता चला गया और बस आधे से अधिक डूब गई। इस अंडरपास में पहले से एक और बस फंसी थी, जबकि एक बस इसी तरफ आने वाली थी। अगर वो भी आ जाती तो और मुश्किल खड़ी हो जाती।